हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की आधुनिक काल के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी आपको देना चाहती हूँ। उत्तराखंड में आधुनिक काल से तात्पर्य गोरखाओं के शासन काल से है। जैसे हमने कहा आधुनिक काल, इट मीन्स गोरखा शासक। गोरखा नेपाल के थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर 1790 ईस्वी में इन्होंने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। 1791 गढ़वाल पर ये पराजित हो गए। फिर पुनः इन्होंने 1803 में आक्रमण किया और ये सफल हो गए। तो 1815 में कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक बमशाह के बीच एक संधि हुई और इन्होंने गोरखों के साथ युद्ध किया, जो ये जीत गए। तो गोरखों का शासक हट गया, लेकिन संधि के अनुसार रकम ना देने के कारण कुमाऊं पर सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अब जब अंग्रेज ने उत्तराखंड में अपना शासन किया तो इनका काल का प्रारंभ हो गया अप्रैल 1815 को। प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर ने कुछ समय बाद कुमाऊं जनपद का गठन कर देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर लिया। और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल मुख्यालय को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर इसे नया जनपद का यहाँ इसे भी नया जनपद बना दिया। 1854 को कुमाऊं का मुख्यालय बनाया नैनीताल को, और 1851 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल दो जिलों में बांट दिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कुमाऊं में केवल तीन ही जिले थे। पहला था अल्मोड़ा, दूसरा था नैनीताल और तीसरा था पौड़ी गढ़वाल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।